चलिए देखिए, नहीं, कोर्स ले रखा है तो बुक की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू है ना, इसीलिए ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं आपके बारहठ परिवार। कौन से परिवार के बारे में? बारहठ परिवार। सबसे पहले तो ये जो बारहठ परिवार है, ये कहाँ का है? सीधा यही क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, शाहपुरा। और शाहपुरा कौन सा? याद रखिएगा, भीलवाड़ा। पहला क्वेश्चन, इसी प्रकार से नोट डाउन करते रहिएगा आप, ठीक है? बारहठ परिवार जो बिलोंग करता है कहां से? हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान है शाहपुरा, वहां से। बारहठ फैमिली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है केसरी सिंह बारट। कौन है? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट हैं। केसरी सिंह बारट के भाई हैं जिनका नाम है जोरावर सिंह बारट। क्या नाम है? जोरावर सिंह बारट। और एक इनके आपके पुत्र जिनका नाम है प्रताप सिंह बारट। ये सब आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बारट परिवार जो हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा स्थान से बिलोंग करते हैं, केसरी सिंह बारट, इनके भाई जोरावर सिंह बारट और इनके पुत्र जिनका नाम है प्रताप सिंह बारट, और यहां तक कि केसरी सिंह बारट की जो पोती है वो तो आप जानते ही हैं, आप कमेंट करके बताइएगा केसरी सिंह बारट की पोती कौन है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, क्योंकि जन्म से क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन भी रख दूंगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं केसरी सिंह बारट के जन्म की। इन तीनों के बारे में, एक एक के बारे में हम सिंगल से बात करेंगे, लेकिन एक बार इन सभी का जन्म स्थल साथ में देख लेते हैं, क्योंकि याद हो जाएगा आपको। जैसे देखिए, केसरी सिंह बारट का जो जन्म है वो कब हुआ था, देखिए डेट सहित आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल, चलिए, इनका जन्म हुआ था आपके 21 नवंबर, 21 नवंबर 1872 ईस्वी में, 21 नवंबर 1872 के अंदर। और कहां पर हुआ था? तो स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, देवपुरा गांव। ये कहां पर है? तो शाहपुरा। और शाहपुरा कहां पर है? याद रखिएगा, भीलवाड़ा। हाँ, वो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो केसरी सिंह बारट जिनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 के अंदर, वो कहां पर हुआ? तो देवपुरा गांव, जो कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। अब देखिए, जोरावर सिंह बारट का जन्म कब हुआ? जोरावर सिंह बारट का जन्म, देखिएगा आप, थोड़ी सी डेट भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा भाई, ठीक है? देखिए, क्योंकि डेट एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है? अब देखिए, इनका जन्म कब हुआ जोरावर सिंह बारट का? तो इनका जन्म हो रखा है 12 सितंबर, 12 सितंबर 1883 को। जबकि इनके जो पुत्र हैं, नाम है प्रताप सिंह बारट, इनका जो जन्म है वो हो रखा है आपके 24 मई 1893 ईस्वी में, 24 मई 1893 याद रखिए। इनका जन्म कहां पर हुआ? याद रखिएगा, उदयपुर में। कहां पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर। इनका जन्म कहां पर हुआ?
शाहपुरा में। हम जिस फैमिली के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है आपके बहारट परिवार, और बहारट परिवार के तीन योद्धा केसरी सिंह बारट, जिनके भाई जोरावर सिंह बारट, और केसरी सिंह बारट के पुत्र जिनका नाम है प्रताप सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का जन्म कब हुआ तो 1872 में, इनके भाई का जन्म हुआ था 1883 में, और इनके पुत्र का जन्म हुआ था 1893 में। मतलब ऐसे तीनों साथ में रहेंगे तो सीक्वेंस याद रह जाएगी आपको। और देखिए ये सारी चीजें आपने याद की, अब देखिए यहां से कौन से पेपर में क्वेश्चन आया, ये रहा। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट की जन्म स्थली कौन सी है, जैन सिविल डिग्री 2020 का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है नसीराबाद, दूसरा है खरवा, तीसरा है मांडलगढ़, और चौथा कौन सा है शाहपुरा। सिंपल सी बात है, इजी सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर स्वयं जानते हैं कि केसरी सिंह बारट कौन। केसरी सिंह बारट जिनका जन्म हो रखा है 21 नवंबर 1872 में। अभी हमने देखा कहां पर हो रखा है, ये तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर, ये देखिएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आ गया आपके, क्लियर हुआ, याद रखिएगा। केसरी सिंह बारट का जन्म कब हुआ, इनके भाई जो जोरावर सिंह बारट हैं इनका जन्म कब हुआ, और इनके पुत्र हैं प्रताप सिंह बारट, इनका जन्म कब हुआ। आइए इन तीनों में से सबसे पहले जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपके केसरी सिंह बारट। एक एक बात हम इनके बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालिएगा केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट। इनके पिताजी का नाम था कृष्ण सिंह बारट, उन्हीं के पुत्र हैं केसरी सिंह बारट। देखिए अब इनके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं, एक एक बिंदु को लेकर जहां से आपके क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इनके जन्म से ही कर लेते हैं, और आपको याद भी हो गया होगा, बार बार पढ़ने से ही याद होता है भाई, 21 नवंबर 1872 में। कहां पर, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है इनकी जन्म स्थली कौन सी है, और एक क्वेश्चन बनता है इनकी कर्म स्थली कौन सी है। स्थानों से दो क्वेश्चन बन गए, एक तो है इनकी जन्म स्थली कौन सी है, और एक क्वेश्चन बनता है इनकी कर्म स्थली कौन सी है। जन्म स्थली तो आपके गांव पूछ ले तो देवपुरा है, वरना वैसे शाहपुरा, और शाहपुरा कौन सा याद रखिएगा, भीलवाड़ा। क्लियर, इनकी कर्म स्थली कौन सी है तो याद रखिएगा कोटा, इनकी कर्म स्थली कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोटा हम आगे चर्चा करेंगे। इनके पिताजी का जो नाम है वो थोड़ा सा याद रखिएगा आप, कृष्ण सिंह बारट। वैसे इनके फैमिली की बात करते हैं तो केवल क्वेश्चन इनके भाई और इनके पुत्र से ही आता है, ठीक है, तो वहीं पर आप ज्यादा फोकस करें, ठीक है। दूसरी बात, ये जो केसरी सिंह बारट है कौन सी परिवार से आते हैं, ये तो याद रखिएगा, ये आते हैं आपके चारण परिवार से। सिंपल सी बात है, ये आपके डिंगल कवि भी हैं, याद रखिएगा, ये क्या है आपके एक डिंगल कवि है, ये कवि है, लेखक है, क्रांतिकारी है, सब कुछ है ये। तो ये तो इनका जीवन परिचय चल रहा है फिलहाल, इनका जन्म, इनकी जन्म स्थली, कर्म स्थली, इनके पिताजी का नाम, कौन से परिवार से हैं, और ये डिंगल भाषा के कवि हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी, जैसे आपको पूछा जाए इनके राजनीतिक गुरु कौन है, राजनीतिक गुरु याद रखिएगा, इनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो आपके इटली के राष्ट्रपति हैं। इनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है, इटली के राष्ट्रपति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इटली के जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है, उनका नाम है मेजीनी, मेजीनी, ये इनके क्या रहे हैं, राजनीतिक गुरु। और ये मेजीनी कौन है तो इटली के राष्ट्रपति हैं, ये इटली के राष्ट्रपति, ये इनके क्या हैं, राजनीतिक गुरु। इसके अलावा
इसके अलावा इनकी विशेष बात है कि इनके नाम से एक समाचार पत्र, नाम से समाचार पत्र निकला करता था। हाँ, हालांकि वो निकाला किसी और ने था, लेकिन इनके नाम से एक समाचार पत्र जिनका नाम है राजस्थान केसरी, वो इनके नाम से निकाला गया था। और राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र है वो 1920 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र से निकाला गया था, और निकालने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक, आप सब जानते हैं, वो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, देखिए मैं वो बातें कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। इनका जन्म हो गया, जन्मस्थली हो गई, इनकी कर्मस्थली हो गई, इनके पिताजी का नाम, भाई और पुत्र का नाम आपको पहले बता दिया, उनकी जन्मस्थली शारी आपको पता है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये डिंगल भाषा के कवि हैं, इनके राजनीतिक गुरु कौन है, तो इटली के राष्ट्रपति, और इनके नाम से एक समाचार पत्र भी निकला करता है जिसका नाम क्या है? राजस्थान केसरी। जो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र है ये राजस्थान सेवा संघ से निकाला गया था, और आप सब जानते हैं कि राजस्थान सेवा जो संघ है उनके प्रमुख सदस्यों में थे केसरी सिंह बारट, उसी से जुड़े हुए थे प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, जमुनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, मतलब जितने भी ये है ये सब समकालीन रहे हैं। तो इनके नाम से जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? राजस्थान केसरी। ये तो इनके परिचय की बातें हुई। अब केसरी सिंह बारट से इंपॉर्टेंट प्रकार के तीन फैक्ट और होते हैं जो आपको सन से याद रखने होते हैं और याद रह भी जाएंगे। अभी हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि लिखने के तरीके से भी याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, चेतावनी रचुंगटिया की हम बात करेंगे, ये कौन सी जेल में रहे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, वो सारी घटना हम पढ़ेंगे। ठीक, ये क्लियर है एक बार फिलहाल? थोड़ा सा थम्स अप करके बता दीजिए कि ये सब क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो केसरी सिंह बारट के जीवन से जुड़ी हुई है और आपके एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा अगली बात, केसरी सिंह बारट। देखिए केसरी सिंह बारट से जो संबंधित बातें हैं वो है आपके तीन प्रकार की। कौन कौन से सन की है वो संपूर्ण चर्चा है आपके सामने। एक तो है आपके 1903 की महत्वपूर्ण घटना, एक है आपके 1910 की महत्वपूर्ण घटना। कौन सी है? 1910 की महत्वपूर्ण घटना, हाँ, और एक घटना है आपके 1912। बस ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिएगा 1903, 1910 और 1912 कौन कौन सी घटनाएं हैं वो देखिए। 1903 की तो वो घटना है जहां पर केसरी सिंह बारट द्वारा चेतावनी लिखी गई थी, किसके लिए? मेवाड़ के महाराणा के लिए। ऐसी क्या बात है 1903 की, आइए जानते। देखिएगा 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार, 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और क्यों? क्योंकि उस समय एडवर्ड सप्तम का समान समारोह था। लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार लगा था कब, याद रखिएगा? 1903 में। क्यों लगा था? तो एडवर्ड सप्तम का समान समारोह था, और इसी लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे कौन? तो आप कहेंगे सर भाग लेने जा रहे थे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। और जब इस बात की जानकारी हुई केसरी सिंह बारट को, तो केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए इनको 1300 लिखकर भेजे थे, वो भी डिंगल भाषा में। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए तेरा सोटे
लिख कर भेजे। और किसने भेजे? तो केसर सिंह बारट ने। और इन्हीं 13 सोटों को इतिहास में क्या कहा गया है? याद रखिएगा, चेतावनी रा चुंगटिया। क्या कहा गया है? चेतावनी रा चुंगटिया। ये बात है आपके 1903 की। वापस सुनिएगा एक बार, 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि एडवर्ड सप्तम का क्या था? सम्मान समारोह, जिसके अंदर मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह, वो भाग लेने जा रहे थे। जब इस बात की जानकारी हुई केसरी सिंह बारट को, तो केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को याद दिलाया इनका पूर्वज यानी कि कुंभा सांगा और प्रताप की बातें, जिसके तहत इन्होंने 13 सोटे लिख कर भेजे थे। इतिहास में इन्हीं 13 सोटों को क्या कहा गया है? चेतावनी रा चुंगटिया। अब यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से सारे, और एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं वो भी आपके सामने एक बार वो देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है? देखिएगा, ये नहीं, यहां से जो है ये देखिए, जो आपको पढ़ाया उससे घुमा के क्वेश्चन ऐसे आता है। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश यानी कि रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे। यहां पर कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना फतेह सिंह की बात है, ना लॉर्ड कर्जन की बात है, और ना 1903 है, ना केसरी सिंह बारट है। लेकिन ये क्वेश्चन तो वहीं से उठाया गया है ना, क्वेश्चन तो वहीं से उठाया गया है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और फिर आप कहते हैं कि सर ने पढ़ाया नहीं। सर सब ऐसे ही पढ़ाते हैं, एग्जामिनर के पूछने का तरीका आपको समझना है। तरीका यह है, क्वेश्चन वहीं से है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद में शाही नरेश यानी कि रॉयल किंग मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को कहा गया है ब्रिटिश वायसराय से मिलने दिल्ली नहीं गए थे? वो कविता है चेतावनी रा चुंगटिया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे पूछता है, इसलिए वो कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, बात क्लियर हुई 1903 की? ये महत्वपूर्ण घटना जहां से ये क्वेश्चन आता है, क्लियर? आइए आगे चलते हैं। और अब हम बात करते हैं 1910 में। 1910 में ऐसा क्या है वो देखिएगा। 1903 तो आपके क्लियर हुआ और एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1910 में क्या? 1910 के अंदर केसरी सिंह बारट को एक सभा का कार्यभार दिया गया और इनके द्वारा ही वो सभा स्थापित है जिसका नाम है वीर, वैसे सुना भी होगा आपने, वीर भारत सभा। वीर भारत सभा जिसका गठन 1910 में किसके द्वारा किया गया था? केसरी सिंह बारट द्वारा। और कहां पर किया गया? कोटा। कहां पर किया गया? कोटा। ये अपना अंतिम समय भी कहां गुजारेंगे? कोटा। इसीलिए तो हमने लिखा था कि इनकी जो कर्म स्थली है वो कौन सी रही है? कोटा। तो 1910 के अंदर केसरी सिंह बारट द्वारा वीर भारत सभा का क्या किया गया? गठन। वैसे ये जो वीर भारत सभा है ना, ये आपके वीडी सावरकर हैं आपके, जिनके द्वारा 1904 में अभिनव भारत संघ बनाया गया था, और उसी अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में कार्य कर रहा था कौन? वीर भारत सभा, जिसका गठन किसके द्वारा है? केसरी सिंह बारट द्वारा। लेकिन इसके अंदर और कौन कौन थे इनके सहयोगी? तो देखिए, वीर भारत सभा में स्वयं केसरी सिंह बारट है, इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी भी हैं, अर्जुन लाल सेठी, और किसके कहने पर किया? गोपाल सिंह खरवा है, गोपाल सिंह खरवा, और एक है आपके कौन? विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। अब 1910 से डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि केसरी सिंह बारट द्वारा कौन सी सभा
ये आपके क्लियर हो गया कि केसरी सिंह बारड़ द्वारा 1910 में, वीडी सावरकर द्वारा 1904 में जो अभिनव भारत संघ चलाया गया था उसी की एक शाखा हमारे राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा के कहने पर केसरी सिंह बारड़ द्वारा स्थापित की गई, जिसका नाम है वीर भारत सभा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आप पूछा गया वो देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके वीडियो 28 दिसंबर 2021 के शिफ्ट नंबर वन में आया, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन है केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, सागरमल गोपा और अर्जुन लाल सेठी। सिंपल सी बात है, इसका आंसर आप जानते हैं। क्लियर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया? ये लीजिए, ये किसमें आया, फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ रखा है। अर्जुन लाल सेठी 1907, विजय सिंह पथिक 1908, रास बिहारी बोस 1909 और केसरी सिंह बारट 1910। ठीक है, अगला और देखिए, इसी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन, ये देखिए, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अब यहां पर कौन है तो ना ऑप्शन से ढूंढ लोगे, गोपाल सिंह खरवा या केसरी सिंह बारट, अमर सिंह या सरदार सिंह, राम सिंह या कुशाल सिंह, लाला हरदयाल या महावत खान। तो आपको ऐसे पढ़ना है, ये देखिए, ये पूरी कहानी पढ़ी, देखिए स्टूडेंट स्वयं अपना सिलेक्शन लेता है, उसे स्वयं पढ़ना पड़ता है। जैसे आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं वहां पर सारे टीचर सब अच्छे ही पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को स्वयं अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो जैसे कोचिंग से यहां पढ़ के गए, पढ़ के जाने के बाद में घर जाकर देखा कि जो आपने पढ़ा आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। इसलिए वो बुक भी आ रही है, आपको चिंता नहीं करनी है कि ऐसे क्वेश्चन हमें कहां मिलेंगे, वो बुक आ रही है आपके बहुत जल्द। ठीक है, तो ये वीर भारत सभा हो गई 1910 कोटा के अंदर, स्थापना करने वाले केसरी सिंह बारट, साथ में अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। बताइए क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका भी आ गया, एक बार थम्स अप कीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए वीर भारत सभा वीडियो के अंदर पूछा, ये वीर भारत सभा फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा, ये वीर भारत सभा स्टेनोग्राफर में पूछा। और भी है क्या कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक बार देख लेता हूं मैं। ये देखिए, ये आपके ले बस स्टैंड 28 जून 2022 शिफ्ट नंबर वन, ये एक और क्वेश्चन, ये लीजिए, मतलब वीर भारत सभा आप स्वयं सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है वीर भारत सभा, केसरी सिंह बारट। ये लीजिए, चार एग्जाम और चारों ही अलग अलग, मतलब ये समझ सकते हैं जो एग्जाम होगा उसके अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये सीख रहे हैं हम यहां से, ठीक है, देखिए तो ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1903 आपने देखा और 1910 ये भी इंपॉर्टेंट। आइए चर्चा करते हैं 1912 की ऐसी कौन सी घटना है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे खास है। देखिए देखिए केसरी सिंह बारट से रिलेटेड 1912 की घटना क्या है, 1912 के अंदर एक घटना है जिसका नाम आप लिख लीजिएगा, महंत, महंत प्यारेलाल, महंत प्यारेलाल हत्याकांड, महंत प्यारेलाल हत्याकांड। और आप सब जानते हैं कि इसी हत्याकांड के तहत केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सजा हुई थी। यह घटना क्या है, घटना तो 1912 की है, इसके बारे में आप थोड़ा सा सुनिए। देखिएगा, ये जो एक महंत है प्यारेलाल, ये आपके जोधपुर के एक बहुत धनाढ्य साधु है, जोधपुर के क्या है, एक बहुत धनाढ्य साधु। अब सिंपल सी बात है, केसरी सिंह बारट इनके सहयोगी हैं आपके हीरालाल, रामकरण, ऐसे लोगों के आप पैसों की आवश्यकता भी थी, और इधर आपके जोधपुर के एक महंत भी थे, साधु भी थे, धनाढ्य थे। तो इन्होंने क्या किया कि जोधपुर के जो साधु थे इनको जोधपुर से उठाया और कहां लेकर आ गए, कोटा। लाने वाले कौन हैं, हीरालाल और रामकरण। वो जोधपुर से कहां लेकर आ गए साधु को, कोटा। यहां आकर उनको जहर दे दिया, लेकिन कहते हैं कि जो साधु थे महंत उन पर जहर का असर हुआ नहीं,
इसीलिए जोश में आकर जो हीरालाल थे उन्होंने 25 जून कब 25 जून 1912 के अंदर उस महंत की हत्या कर दी। बस उसी हत्याकांड के तहत केसरी सिंह बारट, हीरालाल और रामकरण इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए 20 वर्ष की सजा सुना दी। और इसी हत्याकांड के तहत केसरी सिंह बारट को बिहार की हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि केसरी सिंह बारट को कौन सी हत्याकांड के तहत सजा हुई थी, तो वह है महंत प्यारे लाल हत्याकांड। ठीक है, हाँ, तो इनके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। यह महंत याद रखिएगा जोधपुर के धनिक साधु, जिनको यहां से किडनैप करके जोधपुर से कहां लेकर गए थे, कोटा। कोटा ले गए, वहां पर जहर दिया लेकिन असर हुआ नहीं, इसीलिए कोटा ले गए और वहीं 25 जून 1912 में मार दिया। इसी महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत किनको सजा हुई थी, और यह सजा 20-20 वर्ष की थी, 20-20 साल की सजा हुई। और सजा किने किने हुई वो भी नाम लिख लीजिए आप, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो लिखिए केसरी सिंह बारट को, केसरी सिंह बारट। उसके अलावा हीरालाल लाहेरी और रामकरण, इन तीनों को क्या हुई थी, याद रखिएगा 20-20 वर्ष की सजा सुनाई गई। लेकिन कहते हैं कि केसरी सिंह जो बारट थे वो इस समय इतने चर्चित हो चुके थे कि एक एक बंदा केसरी सिंह बारट से परिचित था। इसीलिए तो आपको पता होगा 1919 की बात है, अमृतसर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और वहां पर बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी सिंह बारट को रिहा करवाने की बात हुई थी। सोचिए, बाल गंगाधर तिलक अमृतसर अधिवेशन कांग्रेस का, वहां पर मांग क्या कर रहे हैं कि केसरी सिंह बारट को रिहा करवाइए। मतलब आज सब जानते हैं कि केसरी सिंह बारट कितने चर्चित थे, बस उसी के तहत। और वैसे भी 1919 के अंदर तो आप जानते ही हैं विश्व युद्ध की घटनाएं थी। इसीलिए क्या हुआ कि पहले तो यहां पर कुछ बातें हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वो लिखनी है आपको। देखिए कौन सी, एक तो यहीं से जोड़ना है, केसरी सिंह बारट कौन सी जेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हजारीबाग बिहार, हजारीबाग जेल में। लेकिन यहां के जो जेल अधीक्षक थे हजारीबाग के, जेल अधीक्षक, क्योंकि वो उधर 1919 विश्व युद्ध की घटनाएं सारी को चल रही थी, इसीलिए यहां के जो जेल अधीक्षक थे जिनका नाम था कर्नल मीक, इसी कर्नल मीक द्वारा केसरी सिंह बारट को रिहा कर दिया गया। केसरी सिंह बारट को रिहा किया, फिर ये जाकर जुड़ गए आपके राजस्थान सेवा संघ से और कर्म रूप से इनके नाम से भी समाचार पत्र भी निकाला गया था, तो वो सारी बातें। लेकिन केसरी सिंह बारट को रिहा कर दिया गया और केसरी सिंह बारट ने अपना अंतिम जो जीवन है वो कहां व्यतीत किया था, याद रखिएगा कोटा में। कहां पर व्यतीत किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटा के अंदर। और यहीं पर रहते हुए केसरी सिंह बारट की मृत्यु हो गई थी कब, तो 14 अगस्त, कल डेट ही 14 अगस्त 1941 और कहां पर हुई, कोटा में। इसीलिए तो हमने कहा जन्म स्थली शाहपुरा और कर्म स्थली कौन सी है इनकी, कोटा। एक बार थोड़ा सा वापस यहां से जोड़ देता हूं आपको, हम चर्चा कर रहे हैं 1912 के अंदर महंत प्यारेलाल हत्याकांड की। ये एक जोधपुर के साधु थे
जिनको जोधपुर से उठाकर कोटा लाया गया, जहर दिया गया, लेकिन बच गए। फिर हीरालाल ने इनकी हत्या कर दी। इसी महंत के हत्याकांड के तहत हीरालाल और रामकरण के साथ में केसरी सिंह बारट को भी 20 वर्ष की सजा सुनाई। लेकिन विश्व युद्ध की घटना के तहत आपको पता होगा 1919 के अंदर, और वैसे आप सब जानते भी हैं, जब भी आज़ादी का पर्व आता है तो हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि जो जेल के अंदर रहने वाले हैं उनको अक्सर रिहा कर दिया जाता है, उनका व्यवहार अच्छा होता है। तो उसी के तहत केसरी सिंह बारट को भी हजारीबाग जेल, जो बिहार में है, वहाँ के जो जेल अधीक्षक हैं जिनका नाम है कर्नल मीक, इनके द्वारा केसरी सिंह बारट को रिहा कर दिया गया और इन्होंने अपना अंतिम जीवन जहाँ बिताया वो स्थान है कोटा। और इनकी मृत्यु हुई थी आपके 14 अगस्त 1941 को, और वो भी कहाँ पर, याद रखिएगा, कोटा। हाँ बिल्कुल, 1919 वही है, उसी के तहत रिहा करवाएगा। बिल्कुल, अब वो भाग झारखंड का है, ठीक है, अब वो ठीक है, उस समय वही था, क्लियर। अब इसके अलावा केसरी सिंह बारट की और कौन सी बातें हैं इंपॉर्टेंट, तो इनकी रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है, लिखिएगा इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो है रूठी रानी। अब रूठी रानी तो आप सब जानते हैं, इनके बारे में आपको क्या बताएं। एक है आपके प्रताप चरित, एक है आपकी दुर्गादास चरित, एक है आपके राज सिंह चरित। जानते हैं आप सब इनको, रूठी रानी, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, राज सिंह, ये किसी पहचान के, आप सब जानते हैं इन सबको। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, केसरी सिंह बारट ने कवि श्यामलदास की जीवनी लिखी थी, कवि श्यामलदास की जीवनी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा भी जैसे मारवाड़ के जो शासक हैं जसवंत सिंह, इन पर भी लिखी थी जसवंत चरित, ये इनकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपके रूठी रानी है, प्रताप चरित है, दुर्गादास चरित है, राज सिंह चरित है, कवि श्यामलदास की जीवनी है, और क्या है, जसवंत चरित। ये आपके केसरी सिंह बारट, एक बार इनको वापस देखते हैं और फिर इनके भाई के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं बारट फैमिली जो बिलोंग करती है आपके राजस्थान के भीलवाड़ा के शाहपुरा से। हम इनके तीन सदस्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रमुख केसरी सिंह बारट, जिनके भाई हैं जोरावर सिंह बारट, और जिनके पुत्र है प्रताप सिंह बारट, और इनकी पोती कौन है, ये तो आपने कमेंट किए ही नहीं, ये तो आपने किए ही नहीं, वो भी कमेंट करिए इनकी पोती का नाम क्या है। केसरी सिंह बारट के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा, इनका जन्म 21 नवंबर 1872 के अंदर, इनकी जन्मस्थली देवपुरा गांव शाहपुरा रही है, कर्मस्थली कोटा रही है। इनके पिताजी का नाम कर्शन सिंह बारट है, ये चारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये एक डिंगल कवि भी हैं, सेनानी तो ही, हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी तो ही, लेकिन साथ में डिंगल कवि भी हैं। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे इटली के राष्ट्रपति, जिनका नाम है मेजिनी। इनके नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला गया था, राजस्थान केसरी 1920 वर्धा, महाराष्ट्र से विजय सिंह पथिक द्वारा। उसके बाद में हमने केसरी सिंह बारट से जीवन से जुड़ी हुई तीन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा की। एक तो 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन का जब दिल्ली दरबार था और वहां पर भाग लेने जा रहे थे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, इनको रोकने के लिए 13 सोटे लिखे थे जो इतिहास में क्या कहलाए थे, सेताम निरा चुंगटिया। 1910 के अंदर ये वी डी सावरकर से बड़े प्रेरित थे, और वी डी सावरकर की वजह से ही इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था इटली के राष्ट्रपति को। तो वी डी सावरकर द्वारा 1904 में एक संघ बनाया गया था, अभिनव भारत संघ, उसी की एक शाखा केसरी सिंह बारट द्वारा स्थापित की गई थी कोटा के अंदर, नाम है वीर भारत सभा। किसके कहने पर, तो गोपाल सिंह खरवा के कहने पर, याद रखिएगा, इसलिए अर्जुन लाल शेट्टी, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पति, ये भी इस सभा से जुड़े हुए थे। 1912 के अंदर एक हत्याकांड है जिसके तहत आपको केवल नाम याद रखना है, सन याद रखना है, और इसी के तहत सजा हुई थी किसे, केसरी सिंह बारट को, कौन सी जेल में, हजारीबाग जेल में इनको क्या कर दिया गया था, कैद। लेकिन वहीं पर जेल अधीक्षक जिनका नाम है कर्नल मीक, इनके द्वारा केसरी सिंह बारट को रिहा कर दिया गया। इन्होंने अपना अंतिम समय कोटा के अंदर बिताया था, और 14 अगस्त 1941 को कोटा में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं आपके सामने हैं, रूठी रानी, प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, राज सिंह चरित, कवि श्यामलदास की जीवनी और
जसवंत चरित, और इनके बारे में राज बिहारी बोस का एक कथन है। कौन सा कथन है वो आप एक क्वेश्चन के माध्यम से देखिएगा। ये है इनका कथन, देखिएगा। राज बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट से संबंधित एक कथन कहा था। क्या कहा था कि भारत में एकमात्र ठाकुर हैं कौन? केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। मतलब केसरी सिंह बारट, इनके भाई जोरावर सिंह बारट, इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट, ये सारे के सारे आजादी के लिए शहीद हो गए थे। ये बात किसने की थी ये आपको याद रखना है। और ये पूछा किसमें गया था? जैन सिविल डिप्लोमा 21 अगस्त 2016 के पेपर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये रास बिहारी बोस। हाँ बिल्कुल गौतम, ये बात प्रताप सिंह बारट की है, उन्हीं के बारे में हम अब चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमने जिनके बारे में पढ़ा वो है केसरी सिंह बारट। अब हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो है जोरावर सिंह बारट, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी बड़े जोरदार आते हैं। देखिएगा, अब हम चर्चा करते हैं आपके जोरावर सिंह बारट। हेडिंग डालिएगा जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई है वो देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जोरावर सिंह बारट और इन्हीं के भतीजा, बोल दीजिए, इन्हीं के भतीजे और केसरी सिंह बारट के पुत्र जिनका नाम क्या है? प्रताप सिंह बारट। तो प्रताप सिंह बारट के बारे में हम थोड़ा अलग से ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इनके बारे में ही पढ़ते हैं, किनके बारे में? जोरावर सिंह बारट। देखिएगा, जोरावर सिंह बारट का जन्म कब हुआ तो एक बार आप फिर नोट कर लीजिएगा। बार बार लिखेंगे तभी जाकर ये चीजें दिमाग के अंदर टिकेगी और याद हो जाएगी। इनका जन्म है 12 सितंबर 1883, और केसरी सिंह बारट का जन्म कब है तो 21 नवंबर 1872। उनकी मृत्यु कब है? 14 अगस्त, याद रखिएगा, 1941। इनका जन्म है 12 सितंबर 1883 के अंदर, और कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका एक उपनाम भी है, और इन्हें कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को तो आप जानते ही हैं, जिया भी आजाद और मरे भी आजाद। ऐसे ही थे कौन? जोरावर सिंह बारट। क्या है इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटना वो देखिए। जोरावर सिंह बारट कि जो महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है आपके एक बम कांड से, और वो है लॉर्ड हार्डिंग्स बम कांड। ये घटना कब की है? याद रखिए, 1912, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए यहीं से बनेंगे। जोरावर सिंह बारट जो केसरी सिंह बारट के तो क्या है भाई, और प्रताप सिंह बारट के चाचा, जिनका जन्म 12 सितंबर 1883 शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ। इनका एक उपनाम जरूर याद रखिए, ये अक्सर पूछा जाता है, राजस्थान का चंद्रशेखर, और एक नाम इनका और चर्चा करेंगे, लेकिन वो आगे। घटना है आपके लॉर्ड हार्डिंग्स बम कांड की। देखो, आप सब जानते हैं कि दिल्ली दरबार लगा था कब? दिल्ली दरबार जिस समय की ये बात है वो है 1911। मैडम मेरी वगैरह आई थी, दो महत्वपूर्ण घोषणा होती है, एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, और एक भारत की राजधानी जो कलकत्ता है उसे दिल्ली बनाने की घोषणा होती है, वो दिल्ली दरबार 1911। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के
वायसराय, वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग्स, यही। तो सिंपल सी बात है, मैडम मेरी आई, जो अंग्रेज राजा थे वो आए, तो उनसे रिलेटेड जुलूस निकाला जा रहा था। किसके साथ में? लॉर्ड हार्डिंग्स के साथ में। उसी जुलूस पर बम फेंकने की योजना बनाई थी किसने? रास बिहारी बोस ने। और बम फेंकने का जो काम दिया वो दिया था प्रमुख रूप से किसको? जोरावर सिंह बारट को। लेकिन और भी व्यक्ति थे, स्वयं के प्रताप सिंह बारट भी इनके साथ में थे, लेकिन हमें यहां प्रमुख रूप से जोरावर सिंह बारट की चर्चा करनी है। तो रास बिहारी बोस ने यहां पर बम फेंकने की योजना बनाई। बम फेंकने की योजना किसने बनाई? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने योजना बनाई कि इधर से जुलूस निकलेगा, जैसे ही जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक में पहुंचेगा, वहीं पर एक बैंक थी जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक, हम इस पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर खड़े होंगे और फटाफट क्या फेंक देंगे बम। ऐसी योजना बनाई थी और इसी योजना के तहत कार्य कर रहे थे कौन? जोरावर सिंह बारट। कहते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग्स पर जोरावर सिंह द्वारा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर खड़े थे, पंजाब नेशनल बैंक से चांदनी चौक, जो कहां है? दिल्ली, चांदनी चौक पर बम फेंका गया। लेकिन इसके अंदर लॉर्ड हार्डिंग्स बच गए थे और यहीं से फरार हो गए थे कौन? जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट, बाकी लोग तो पकड़े गए लेकिन जोरावर सिंह बारट यहां से क्या हो गए थे? फरार। कभी भी अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पाए क्योंकि एक तो इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। जोरावर सिंह बारट ने यहां से फरार होने के बाद में अपना नाम बदल कर क्या कर लिया था? यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम बदल कर लिया था अमरदास वैरागी। और कहां रहने लग गए थे ये? इन्होंने अपना जीवन बिताया था मालवा वे वागड़ क्षेत्र में, और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? इनकी मृत्यु वैसे एमपी में हुई थी। कहां पर हुई थी? एमपी के अंदर। और कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर 1939 को। ठीक है, देखिए जोरावर सिंह बारट एक बार वापस देख लीजिए। हां जोरावर सिंह बारट, देखिए जोरावर सिंह बारट का जन्म कब हुआ? 12 सितंबर 1883 शाहपुरा भीलवाड़ा। इनका उपनाम है राजस्थान का चंद्रशेखर। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर। इनकी जो रिलेटेड घटना है वो कौन सी है? वो भारत के एक वायसराय जिनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग्स, इनके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग्स जो भारत के वायसराय हैं, इन पर बम फेंका गया था। 1912 की ये घटना है, जब ये जुलूस निकाल रहे थे तो दिल्ली के अंदर एक स्थान है चांदनी चौक, वहां पर, और वहीं पर एक बैंक थी जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक, वहां के ऊपर ये खड़े थे और वहीं से चांदनी चौक दिल्ली के अंदर बम फेंका गया, जिसके अंदर भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स बच गए थे, गलती से बच गए थे। इसीलिए जोरावर सिंह बारट यहां से फरार हुए और अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? अमरदास वैरागी। और उन्होंने अपना जीवन कहां गुजारा था? मालवा और वागड़ क्षेत्र में। और इसी प्रकार इनकी मृत्यु भी हो गई थी कब? 17 अक्टूबर 1939 को। हाँ, अब देखिए यहां से यह आपको पढ़ाया जोरावर सिंह बारट, अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वो देखिए। अब वो क्वेश्चन देखिए कौन कौन से आते हैं एग्जाम में।
सबसे खास बात तो यहीं छुपी हुई है, क्वेश्चनों में ही। देखिए, थ्योरी पढ़ने के बाद में एमसीक्यू सोल्व करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, क्लास आप संपूर्ण जीके मैं पढ़ाऊंगा आपको, स्पेशल थर्ड ग्रेड में, तो ठीक है। देखिए क्या है, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग्स की हत्या का प्रयास किया था। क्यों, आपने थ्योरी बिल्कुल यही पढ़ी है। ये देखिए, पूरी थ्योरी यही लिखी हुई है, बस आपको समझना यही है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी उससे एग्जाम ने क्वेश्चन बनाया कैसे। तो एग्जाम ने क्वेश्चन बनाया ऐसे, ये लीजिए आपके सामने, ये रहा ये, कि वह क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग्स की हत्या का प्रयास किया था, और क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, संस्कृत एजुकेशन 2018, पेपर आपके 14 दिसंबर 2020 को हुआ था। अब सिंपल सी बात है, जोरावर सिंह भारत, केसरी सिंह, गोपाल सिंह या विजय सिंह, तो ऑप्शन होगा आपका जोरावर सिंह। क्लियर। और भी कोई क्वेश्चन आया है क्या इनसे रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। ये लीजिए, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम अमरदास वैरागी धारण किया था? अर्जुन लाल शेट्टी, प्रताप सिंह भारत, जोरावर सिंह भारत या केसरी सिंह भारत? सिंपल सी बात है, जोरावर सिंह भारत। हाँ हाँ, अगला देखिए, ये हो गया आपके, ये क्वेश्चन, अच्छा ये तो प्रताप से है, ठीक। अब ये देखिए और क्वेश्चन, एलएसएम में पूछा गया था आपके, अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? जोरावर सिंह भारत। क्वेश्चन तो उसी बिंदु से उठाए गए हैं बार बार। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए इनसे रिलेटेड, ये देखिए एक और आया, निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में बिताया? ये लीजिए, मालवा और वागड़ के क्षेत्र में कौन है? जोरावर सिंह भारत। मतलब हमने ये जो इतना सा पढ़ा है, ये इतना सा, इनमें से ही क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये रहा जो हमने देख लिए क्रम से। ये देखिए, यहां पर देखा सबसे पहले लॉर्ड हार्डिंग्स की घटना पूछ ली, फिर उसके बाद में तो ये नाम से पूछ लिया रिट में, देखिए 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में ये देखिए, ये तो आगे आएगा अभी, प्रताप सिंह भारत, ये देखिए अमरदास वैरागी, एलएसए के अंदर क्वेश्चन आया, उसके बाद में ये देखिए फिर मालवा और वागड़, ये आपके राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया। मतलब ये समझिए कि भारत फैमिली से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। केसरी सिंह भारत से नहीं आएगा तो जोरावर सिंह भारत से, इनसे नहीं आएगा तो प्रताप सिंह भारत, और अब हम जिसे पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके प्रताप सिंह भारत। आइए, एक ही बचे हैं, बाकी हमने सबके बारे में चर्चा की। ये देखिए, यहां से शुरुआत की थी, आप में से जो नए जुड़े हैं वो भी एक बार देख लीजिए, यहां से हमने शुरुआत की भारत फैमिली से, जिसके अंदर सबसे पहले चर्चा केसरी सिंह भारत की, उसके बाद में उनके भाई जोरावर सिंह भारत की, और अब जो हमारी चर्चा है वो है प्रताप सिंह भारत की। ठीक है, हाँ चलिए, अब आप हेडिंग डालिए प्रताप सिंह भारत, प्रताप सिंह भारत, प्रताप सिंह भारत। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनसे भी बड़े शानदार बनते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले तो इनका जन्म, इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके 24 मई 1893, और आखिरी में वो सस्पेंस भी खोल, मैंने सोचा आप में से कोई कमेंट कर देंगे कि केसरी सिंह भारत की पोती का नाम क्या है, लेकिन फिलहाल मेरे सामने जवाब आया नहीं, आएगा तो उनका नाम स्पेशल ले लेंगे हम, ठीक है, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप बता सकते हैं 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए, प्रताप सिंह भारत जिनका जन्म हुआ था 24 मई 1893 के अंदर, और कहां पर हुआ था याद रखिएगा, उदयपुर में। देखिए, प्रताप सिंह भारत जन्म 24 मई 1893 उदयपुर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा,
इनके पिताजी का नाम वो आपको बता ही दिया पहले से ही, केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ। इनके चाचा जोरावर सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने अपने पुत्र को क्रांतिकारी प्रशिक्षण सीखने के लिए पहले से ही प्रताप सिंह बारठ जहां से शिक्षा ले रहे थे वो आपके एक संस्था है जिसका नाम है जैन वर्धमान विद्यालय। आप नाम जानते हैं कि जयपुर में जन जागृति लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है अर्जुन लाल सेठी, जिनका जन्म 1880 के अंदर हुआ था। उन्होंने आपको पता हो तो 1905 के अंदर जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया था, 1907 के अंदर जैन शिक्षा सोसाइटी का गठन किया और 1908 के अंदर जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की जहाँ पर क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रताप सिंह बारठ उसी विद्यालय के स्टूडेंट हैं। तो मतलब इनकी जो शिक्षा हुई क्रांतिकारी वो कहां पर हुई, ये लीजिए, क्रांतिकारी प्रशिक्षण कहां से लिया इन्होंने, तो याद रखिएगा जैन वर्धमान विद्यालय जो आपके जयपुर में हुआ करता था, अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित है 1908 में। और यहां पर एक अध्यापक थे जिनका नाम है आपके मास्टर अमीरचंद। इनके द्वारा प्रताप सिंह बारठ ने क्रांतिकारी प्रशिक्षण लिया था। कहां से लिया था, यहां से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रताप सिंह बारठ से रिलेटेड जो घटना है वो कौन सी है जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। प्रताप सिंह बारठ की महत्वपूर्ण घटना जो है वो है आपके बनारस षड्यंत्र केस। बनारस षड्यंत्र केस, ये बनारस षड्यंत्र केस क्या है वो देखिए। बनारस जो स्थान है ना वो आपके हथियारों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध था, ये जो स्थान है उस समय की बात कर रहा हूं मैं। ये बनारस है, वैसे षड्यंत्र जो केस है ये कब का है, ये 1915 की घटना की बात है। अब ये बनारस क्या है कि उस समय हथियारों की तस्करी के लिए, हथियारों की तस्करी। अच्छा, एक व्यक्तित्व का नाम सचिंदर सन्याल आपने सुना होगा। सचिंदर सन्याल और राज बिहारी बोस ने 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में एक क्रांति की योजना बनाई थी जिसका नाम था सशस्त्र क्रांति। मतलब अब जो क्रांति करेंगे वो हथियारों के साथ में करेंगे और वो सारे के सारे हथियार कहाँ हैं, बनारस में। और यही बनारस से कहते हैं कि पंजाब में बम भेजने की भी कार्य चल रहा था, तभी यहां पर अंग्रेजों का एक छापा पड़ता है, एक टुकड़ी आती है और उसी टुकड़ी द्वारा सचिंदर सन्याल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाता है और उसी के तहत यहां पर कौन, याद रखिएगा, प्रताप सिंह बारठ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर इसी के तहत यानी बनारस जो षड्यंत्र केस है, इसी बनारस षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारठ को कितने साल की, मात्र 3 साल की सजा होती है। बारठ को 3 साल की सजा, प्रताप सिंह बारठ को 3 साल की सजा हुई। सजा होने के बाद में इनको कौन सी जेल भेजा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी, कौन सी जेल में, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बरेली जेल में। और बरेली जेल आप सब जानते हैं कहां है, यूपी में। तो प्रताप सिंह बारठ को इसी बनारस षड्यंत्र के, यहां पर कोई घटना, कोई मारा नहीं गया था, यहां पर सारे हथियार रखे हुए थे। क्योंकि अभी हमने चर्चा की कि सचिंदर सन्याल और रास बिहारी बोस ने 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, मतलब 1907 में एक क्रांति करने की योजना बनाई, उस क्रांति का नाम था सशस्त्र क्रांति। मतलब इस बार जो हम क्रांति करेंगे वो हथियारों के साथ में करेंगे, क्योंकि 1857 में हमारे पास में हथियार नहीं थे और वो सारे हथियार बनारस में रखे हुए और यहीं से बम भेजे जा रहे थे, कहां, पंजाब। इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था प्रताप सिंह बारठ को और कितनी,
तीन साल की सजा सुनाई और उसी सजा के तहत इनको कहां भेजा गया था, बरेली जेल में। यही बरेली जेल के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी थे, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है आपके चार्ल्स क्यूलैंड, या फिर आप इसका नाम ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्लीवलैंड। ठीक है, तो यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी थे। अब ये अंग्रेज अधिकारी बार बार प्रताप सिंह बारठ, क्योंकि देखिए प्रताप सिंह बारठ 1915 और जन्म ये रहा 1893, क्यों ज्यादा उम्र नहीं है इनकी। तो अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स केवलिन ने प्रताप सिंह बारठ को बड़ी यातनाएं दी इनको, और इनसे कहा कि आप अपने साथियों के नाम बता दीजिए तो आपको रिहा कर देंगे। आखिरकार में इस अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया कि प्रताप सिंह बारठ को इमोशनल करने के लिए इनको एक वाक्य कहा था, इनको कहा था कि आपकी मां रोती बहुत है, आप अपने साथियों के नाम बता दीजिए ताकि हम आपको रिहा कर सकें। वहां पर प्रताप सिंह बारठ की एक ऐसी बात जो अंग्रेज अधिकारियों को भी कुरेदने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने कहा था कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं मेरी अकेली मां को हंसाने के लिए हजारी मां को नहीं रुला सकता, मतलब हजारों मां को नहीं रुला सकता। ये कहने वाले कौन थे? प्रताप सिंह बारठ। देखिए इस प्रकार का व्यक्तित्व था इनका। इनको कहा था कि आप केवल अपने दोस्तों के साथियों के नाम बता दीजिए, आपको फ्री कर देंगे क्योंकि आपकी मां रोती बहुत है। तो इन्होंने कहा था कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं एक मां को हंसाने के लिए सैकड़ों मां को थोड़ी रुला सकता हूं। कहते हैं कि यहीं पर कड़ी यातनाएं दी गई और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। बरेली जेल के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कब हुई, याद रखिएगा 27 मई 1918। मतलब प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु 1918 है, जोरावर सिंह बारठ की मृत्यु 1939 है, जबकि केसरी सिंह बारठ की मृत्यु 1941 में है। तीनों में जो सबसे बड़े हैं वो आखिरी में, और जो सबसे छोटा है वो तो सबसे पहले, कौन? प्रताप सिंह बारठ। तो ये कहानी है प्रताप सिंह बारठ की। आपको बताइए इनका जन्म, इनके पिता का नाम, चाचा का नाम, इनने क्रांतिकारी प्रशिक्षण कहां से लिया, कौन सी घटना के तहत इनको सजा हुई। अब महत्वपूर्ण बात जो यहां से क्वेश्चन आए थे वो देखिए, हाँ वो देखिए कौन कौन से आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, प्रताप सिंह बारठ को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कौन सा? बनारस षड्यंत्र केस। देखिए अब एक बार संपूर्ण 10 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है, और फिर एक बार आप सारों के सारे आंसर भी बता दीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं आपके हमारे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में बारठ फैमिली। बारठ परिवार का संबंध कहां से है? शाहपुरा भीलवाड़ा। एक तो व्यक्ति हैं आपके केसरी सिंह बारठ, एक इनके भाई हैं जोरावर सिंह बारठ, एक इनके पुत्र हैं जिनका नाम है प्रताप सिंह बारठ। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं केसरी सिंह बारठ, जिनका जन्म 21 नवंबर 1872 में, जन्म स्थली देवपुरा है, कर्म स्थली कोटा है। इनके पिताजी का नाम कृष्ण सिंह बारठ है, ये चारण फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये डिंगल कवि भी हैं, क्रांतिकारी हैं, सब कुछ लेखक हैं ये। इनके राजनीतिक जो गुरु थे वो इटली के राष्ट्रपति है मेजिनी, और इनके नाम से एक समाचार पत्र भी था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जहां पर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भाग लेने जा रहे थे। इनको रोकने के लिए 1300 टेलीकर भेजे थे। केसरी सिंह बारठ ने जो 1300 टेलीकर भेजे हैं वो किसके माध्यम से भेजे थे पता आपको? गोपाल सिंह खरवा के हाथों से भिजवाए थे। और इन्हीं 1300 को इतिहास में क्या कहा गया था? चेतावनी रात चुंगटिया। आपको डायरेक्ट पूछता है चेतावनी रात चुंगटिया के लेखक कौन? केसरी सिंह बारठ। फिर हमने कहा कि केसरी सिंह बारठ वी डी सावरकर से बड़े प्रेरित थे, उनका एक संघ था सावरकर जी का 1904 के अंदर, जिनका गठन हुआ अभिनव भारत संघ। उसी की एक शाखा कोटा में खोली गई जिसका नाम था वीर भारत सभा। खोलने वाले केसरी सिंह बारठ किसके कहने पर? गोपाल सिंह खरवा के कहने पर, और इनके सहयोगी भी थे अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक जैसे लोग।
लेकिन केसरी सिंह बारट को सजा कौन से हत्याकांड के तहत हुई थी? तो हमने कहा महंत प्यारे लाल हत्याकांड, मतलब जोधपुर के एक साधु जिनको जोधपुर से कोटा लाया गया, फिर इनको जेर दिया गया, लेकिन जेर का असर नहीं हुआ तो हीरालाल ने इनकी 25 जून 1912 के अंदर हत्या कर दी। इसी हत्याकांड के तहत केसरी सिंह बारट, हीरालाल लाहेरी और रामकर्ण को 20-20 वर्ष की सजा हुई। और उसके बाद में जब अमृतसर 1919 के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वहां पर बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने केसरी सिंह बारट को रिहा करने की बात हुई, तो उसी के तहत विश्व युद्ध की घटनाएं यानी 1919 के तहत केसरी सिंह बारट जो कौन सी जेल में थे, हजारीबाग जेल में, और यहाँ के जो अधीक्षक थे कर्नल मीक, इनके द्वारा केसरी सिंह बारट को रिहा कर दिया गया। इन्होंने अपना अंतिम समय कोटा में बिताया था और वहीं उनकी 14 अगस्त 1941 को मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं भी आपको पूछी जाती है, रूठी रानी, प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, राजचरित। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कवि जो श्यामल दास है इनकी जीवनी की लिखने वाले कौन थे, केसरी सिंह बारट, इसके अलावा जसवंत चरित्र। फिर हमने चर्चा की थी आपके किसके बारे में, इनके भाई जोरावर सिंह बारट, जिनका जन्म 12 सितंबर 1883 शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ। इनका उपनाम था राजस्थान का चंद्रशेखर, जिया भी आजाद मरे भी आजाद। इनकी जो घटना है वो है लॉर्ड हार्डिंग्स बम्ब कांड 1912 की, क्योंकि 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगा, वहां पर वो आपके इंग्लैंड के राजा और उनकी पत्नी मैडम मेरी आ रखी थी, तो एक जुलूस निकाला जा रहा था, तो राज बिहारी बोस ने उन पर बम फेंकने की योजना बनाई, जिनको गति देने का कार्य किसने किया था, जोरावर सिंह बारट ने। जोरावर सिंह बारट ने जैसे ये जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक में पहुंचा, तो ये स्वयं पंजाब नेशनल बैंक थी वहां पर उनके ऊपर खड़े थे, वहां से बम फेंका, लेकिन वहां पर लॉर्ड हार्डिंग्स जो भारत के वॉइसरॉय थे वो बच गए थे, इसलिए ये स्वयं वहां से फरार हो गए। और उन्होंने अपना अंतिम जीवन मालवा यानी कि वागड़ क्षेत्र में बिताया और नाम भी बदल कर क्या कर लिया था, अमरदास वैरागी। और इसी प्रकार इनकी भी मृत्यु हुई 17 अक्टूबर 1939 को। इसके बाद में, हाँ बिल्कुल, रूठी रानी भी है, बिल्कुल सही। उसके बाद में हमने चर्चा की प्रताप सिंह बारट, जो आपके केसरी सिंह बारट के पुत्र और जोरावर सिंह बारट के भतीजे, जिनका जन्म 24 मई 1893 के अंदर हुआ। 24 मई को जो दिवस मनाया जाता है वो है आपके बलिदान दिवस। अच्छा, प्रताप सिंह बारट शुरू से ही क्रांतिकारी प्रशिक्षण ले रहे थे, कहाँ पर, वहीं पर जहाँ पर अर्जुनलाल सेठी द्वारा 1908 में जयपुर में एक विद्यालय खोला गया, जैन वर्धमान विद्यालय। यहाँ पर जो शिक्षक थे उनका नाम है मास्टर अमीरचंद, यहीं से इन्होंने शुरू से ही क्रांतिकारी प्रशिक्षण लिया। और इनकी जो घटना जुड़ी हुई है वो है बनारस षड्यंत्र केस 1915, इसी केस के तहत इनको गिरफ्तार किया गया, 3 साल की सजा हुई, इनको भेजा गया था बरेली जेल में, और वहीं पर अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है चार्ल्स केवले, ये बड़ा प्रभावित हुआ था प्रताप सिंह बारट से, क्योंकि जब इस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह बारट को कहा था कि हम आपको रिहा कर देंगे क्योंकि आपको आपकी माँ बहुत याद करती है और बार बार रोती है, तो प्रताप सिंह बारट ने कहा था कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माँ को नहीं रुला सकता। और यहीं पर आखिरी में इनकी भी मृत्यु हो गई 27 मई 1918 में। देखते ही देखते पूरा बारट फैमिली हमारे देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। ये थी पूरी बारट फैमिली। एक क्वेश्चन था आपके कि केसरी सिंह बारट की पोती का नाम क्या है, तो पोती का नाम है नगेंद्र बाला। आपने सुना होगा देश की प्रथम जिला प्रमुख बनने वाली नगेंद्र बाला, जो केसरी सिंह बारट की क्या है, पोती है वो। तो ये था आज का हमारा सेशन, और उसके अलावा जितना भी आपको पढ़ाया उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट की जन्मस्थली कौन सी है, आप सब जानते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई, कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये आपके सामने। राजपूताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया, ये पूरी कहानी आपके सामने। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा और सहयोग से, वो पूरी। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद में शाही नरेश यानी कि रॉयल किंग फतेह सिंह वायसराय से मिलने नहीं गए थे दिल्ली, वो क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब देख पा रहे हैं प्रत्येक एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपके स्टेनोग्राफर हो, चाहे आपके जेएन हो, प्रत्येक एग्जाम में बारट फैमिली से क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिए लॉर्ड हार्डिंग्स बम फेंकने का प्रयास, और ये आपके अमरदास वैरागी, जोरावर सिंह बारट जिन्होंने नाम बदल लिया, या आपके ये राज बिहारी बोस का कमेंट था, किससे संबंधित, केसरी सिंह बारट के, ऐसे एकमात्र ऐसे ठाकुर जिन्होंने अपना पूरा परिवार आजादी के लिए बलिदान कर दिया। उसके अलावा ये बरेली जेल का संबंध किससे और किस षड्यंत्र से रहा, और अपना अंतिम समय
अमरदास वैरागी के रूप में बिताने वाले कौन थे? तो जोरावर सिंह बारठ। कहाँ बिताया? मालवा और वागड़ में। उसके अलावा ये अमरदास वैरागी, फिर आपके वही क्वेश्चन, और फिर हमने पूरा थ्योरिटी से पढ़ी लिया। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी आपको ये सारे नोट करने हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए चाहते तो सीधी थ्योरी पढ़ा देते, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि हम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप कहते हैं ना कि सर जीके हमारा थोड़ा कमजोर है, क्योंकि जीके का पढ़ने का तरीका ये रखना है, थ्योरी पढ़ी पहले, उसके बाद में उसी थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू सोल्व कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि ज्यादातर वे एमसीक्यू हो जो विगत एग्जामों में आ रखे हैं, ताकि आप ये समझ जाएं कि आपको क्या पढ़ा है और जो पढ़ाया है उसी मैटर से घुमा के कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन वहीं से है, बस पूछने का तरीका चेंज कर देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। हाँ, अर्जुन लाल सेठी जी का वो कथन, वो भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है, बिल्कुल सही है। उनका भी वो कमेंट था कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो फिर इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, जब उनको चोमू का दिया जा रहा था। बिल्कुल सही है, जिलाधीश। हाँ, चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।